हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी मूव टू अवर नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 8, मिट्ठू एंड द येलो मैंगो। अब यहाँ पे एक मिट्ठू और एक येलो मैंगो, यहाँ पे स्टोरी है। मिट्ठू वॉज अ पैरेट, अ ग्रीन पैरेट विथ अ रेड बीक। वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग। अब यहाँ पे ये पिक्चर में दिख रहा है आपको मिट्ठू कौन है, एक पैरेट है। पैरेट का नेम क्या दिया हुआ है स्टोरी में, मिट्ठू, और उसकी रेड कलर की बीक है एंड वो पैरेट ग्रीन कलर का है। और बीक कैसी है, ये इसकी चोंच कौन से कलर की है, रेड कलर की। ओके, वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग, एक दिन मिट्ठू फ्लाई कर उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई, ही लुक डाउन, उसे उड़ना बहुत पसंद था और उसने नीचे देखा। ही लुक डाउन, ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री। अब उसने क्या देखा, एक बिग येलो मैंगो, येलो कलर का उसने मैंगो देखा। ये पिक्चर में देखो, ये मिट्ठू है और फिर ये फ्लाई कर रहा था और उसने तो एक नीचे देखा और उसने ट्री पे क्या देखा, एक बड़ा येलो मैंगो देखा। ओके, अगर आपको ये पिक्चर प्रॉपरली नहीं शो करे इसलिए, तो आप टेक्स्ट बुक अपनी रिफ़र कर सकते हैं वीडियो देखने के वक्त। मिट्ठू लाइक मैंगोज, अब मिट्ठू को मैंगोज बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो, ही सेड, उसने क्या बोला कि मुझे ये येलो कलर का मैंगो खाना है। ही फ्लू डाउन टू द ट्री, अब वो ट्री के वहाँ नीचे आया। काँ काँ गो अवे, दिस इज माई ट्री, सेड अ वॉइस। अब वो जैसे ही नीचे आया तो एक आवाज़ सुनी उसने, वो क्या बोल रहा था, काँ काँ गो अवे, दिस इज माई ट्री, मतलब यहाँ से तुम चले जाओ, ये मेरा ट्री है। ऐसी उसको आवाज़ आई, कोई बोल रहा था, सेड अ वॉइस। अब आप बताओ ये किसने बोला होगा, ये काँ काँ तो कौन कर सकता है, ये देखो यहाँ पे ये क्रो ही कर सकता है। फिर उसने क्या देखा, मिट्ठू लुक्ड अप, अब मिट्ठू ने फिर देखा, ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, काँ काँ गो गो, अब उसने क्या देखा, एक बिग ब्लैक कलर का क्रो देखा। काँ काँ तो क्रो ही करता है, और उसने फिर देखा कि कौन बोल रहा है, तो वो कौन था, एक बिग ब्लैक क्रो था। द क्रो शाउटेड, काँ काँ गो गो, द क्रो शाउटेड, जोर से क्रो चिल्लाता है और बोलता है कि यहाँ से तुम जाओ, यहाँ से तुम चले जाओ, ये मेरा ट्री है, यहाँ से तुम जाओ, ऐसे बोलने लगा। ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस, मिट्ठू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो, ही फ्लू अवे। अब ये क्रो की बहुत ही लाउड, बहुत ज़ोर से वो बोल रहा था और बहुत ही उसकी आवाज़ ऐसी थी, तो मिट्ठू क्या हो गया, डर के वहाँ से उड़ के चला गया। अफ्रेड मीन्स डरना, उसकी वो चिल्लाने वाली वो आवाज़ से मिट्ठू डर गया और वो वहाँ से उड़ के चला गया। देन नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, मिट्ठू सॉ अ रेड बलून, इट वॉज अंडर अ ट्री, मिट्ठू ने क्या देखा, एक रेड बलून देखा, वो कहाँ था, ट्री के नीचे, अंडर मीन्स ट्री के नीचे था रेड बलून। ही हैड एन आइडिया, और तभी उसको एक आइडिया आया। ही पिक अप द रेड बलून, उसने वो रेड बलून उठाया। ही वॉज केयरफुल नॉट टू बर्स्ट इट, अब वो धीरे धीरे उठा रहा था क्योंकि उसकी बीक एकदम ही शार्प होती तो उसे ऐसे वो फूट ना जाए, और उसे केयरफुली वो उठाया बलून। ही पिक्ड अप द रेड बलून, ही वॉज केयरफुली नॉट टू ब्रस्ट इट, ही फ्लू टू द मैंगो ट्री, द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री। अब वो उसने वो बलून वहाँ से उठाया और क्या किया, वो मैंगो ट्री के वहाँ गया और ये क्रो के बिहाइंड मीन्स पीछे वो रेड बलून लेके खड़ा रहा। फिर उसने क्या, ही पैक्ड द बलून विथ हीज रेड बीक, उसने क्या किया, ही पैक्ड द बलून विथ हीज रेड बीक। अब उसने क्या किया, फिर उस बलून को फोड़ दिया उसकी चोंच से, वो तो एकदम शार्प ही होती तो उसे तभी चोंच लगे और वो फूट गया। और कैसी आवाज़ है, पॉप द बलून ब्रस्ट, इट मेड अ लाउड वॉइस, और बलून फूटती है तब कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में बता रहे हैं, वो खड़ा हो गया उसके पीछे और उसने वो बलून फोड़ दिया और बहुत ही लाउड आवाज़ आई, बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आई। काउ द सेड क्रो, काउ सेड द क्रो एंड ही फेल ऑफ द ट्री, काँ काँ अ बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्रो, अब उसने क्या किया, ज़ोर से चिल्लाया काँ, फिर उसे क्या लगा कि मेरे पीछे किसी ने गन चला दी है, ऐसी आवाज़ उसको लगा कि ऐसी आवाज़ हो गई, किसी ने गन, वो गोली निकलती है वहाँ गन से तो ऐसे फायर हो गया, उसको ऐसे लगा किसी ने गन चला दी मुझ पर। ही फ्ल्यू अवे, ही नेवर केम बैक टू द ट्री, और उसे ही वो डर गया उस चीज़ से और वो वहाँ से उस ट्री से चला गया और फिर वो वहाँ कभी नहीं आया। नेक्स्ट, मिट्ठू केम टू द ट्री,
ही एट द बिग येलो मैंगो. फिर वो ट्री पे वहाँ आया और उसने क्या किया, वो येलो मैंगो खाया. यमी यमी, व्हाट अ नाइस मैंगो, ही सेड. उसने बोला यमी यमी, क्या कितना अच्छा मैंगो है ये. He was very happy, clever मिट्ठू. आपको समझ में आया वो कितना खुश हुआ और उसने क्या बोला, clever मिट्ठू, मतलब बहुत ही होशियार था वो. उसने, उसे डर भी रहा था उसकी loud voice से, फिर भी उसने idea निकाला और फिर crow को वहाँ से भगा दिया. और इसे क्या हम बोलेंगे, clever मिट्ठू, मतलब होशियार मिट्ठू. उसने एक idea चलाया और उसको उसने वहाँ से भगा दिया crow को. Next, now this question answer we will discuss in our notebook exercise. Move to next. कलर द चिली रेड एंड द पैरट इन कलर्स ऑफ योर चॉइस. अब ये जो चिली है उसको आपको रेड कलर करना है एंड पैरट को आपको ग्रीन कलर करना है. ओके, अपनी चॉइस का कलर लिखा है, अपनी चॉइस से भी करते हो बट ग्रीन करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड. यू हैव टू ट्रेस द पाथ. आपको ये पाथ ट्रेस करना है. ओके, नेक्स्ट. मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल टू द ट्रीज दे ग्रोन ऑन. अब आपको क्या करना है, ये फ्रूट्स और आपको ये जो जो ट्री पे, मीन्स बनाना, तो बनाना ट्री पे होता है, कोकोनट, कोकोनट ट्री पे, तो आपको ऐसे मैच करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ से अलाउड, यू हैव टू रीड दिस वर्ड एंड लाउडली यू हैव टू स्पीक. Choose a letter from the box and complete the words below. Okay, you have to choose. Means SIT, sit. आपको ये A E I O U से कोई भी letter choose करना है, जो suitable है ये missing letter को, उसको आपको ये feel करना है. We will discuss this exercise in our notebook also. Draw dots, the draw over the dots lines. Okay, ये dots है, उस पर आपको वैसे ही आप trace करते हो ना, वैसे आपको ये trace करना है. Okay, you have to do this activity. Next, we move to our notebook exercise. Okay, now we will discuss our notebook exercise. Lesson number 8, Mittu and the yellow mango. These are the new words. Number 1, parrot, beak, down, loved, looked, calm, voice, shouted, loud, afraid means डरना, away, flew, under, burst, balloon, noise, never, yummy, clever, happy. Okay? Next, question number 1, answer the following questions. Now, you have to answer this following question. Number 1, what did Mittu see on the tree? Mittu ne tree pe kya dekha? Mittu saw. Now, answer, C ka kya ho jayega? SEE ka kya ho jayega? Saw. Iska second form hum likhenge. Mittu saw a big yellow mango on the tree. Mittu ne kya dekha tha tree pe? Ek bada yellow color ka mango dekha tha. हमने स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स है. यू हैव टू आंसर दिस. नंबर 2, व्हाट डिड द बिग ब्लैक क्रो से. बिग ब्लैक क्रो ने क्या बोला. आंसर, द बिग ब्लैक क्रो सेड काव काव गो अवे, दिस इज माय ट्री. उसने ऐसे बोला था ना, क्या बोला था उसने मिट्ठू ने, कि काव काव गो अवे मीन्स यहाँ से चले जाओ, ये मेरा ट्री है, वो ऐसे बोल रहा था ना. नंबर 3, व्हाट डिड मिट्ठू सी अंडर द ट्री. मिट्ठू ने ट्री के नीचे क्या देखा. अंडर मीन्स नीचे. उसने ट्री के नीचे क्या देखा. आंसर, मिट्ठू सॉ अ रेड बलून अंडर द ट्री. मिट्ठू ने क्या देखा था, रेड कलर का बलून देखा था ना, रेड बलून देखा था मिट्ठू ने. नंबर 4, डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज. यस, आपको मैंगोज खाना पसंद है. आई थिंक सभी को मैंगो खाना पसंद होगा. आंसर, यस आई लाइक ईटिंग मैंगोज. Number 5, do you like green mangoes and why? No, I do not like to eat green mangoes. They are sour in taste. आप यहाँ पे green mangoes हमें क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि green कलर के mangoes सार आते हैं, बहुत खट्टे आते हैं टेस्ट में, तो नहीं पसंद है. अगर किसी को पसंद है तो आप यहाँ पे yes भी लिख सकते हैं. Yes, I like green mangoes. आप ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, अगर आपको पसंद है तो. Then number 6, do you like yellow mangoes and why? Yes, I like yellow mangoes. They are sweet. Yellow color के mangoes कैसे आते हैं, मीठे आते हैं, sweet. तो वो सभी को पसंद है. So you have to write yes, कि हाँ पसंद है. Then next,
Question number 2, write true or false. Number 1, Mithu saw a red balloon under a tree. Mithu ne tree ke niche red balloon dekha tha? Yes, true. Number 2, Mithu wanted to eat red balloon. Mithu ko wo red balloon khana tha? No, false. Then question number 3, filling the blanks. Number 1, Dash was a parrot. Kaun tha parrot? Mithu. Number 2, a parrot has dash beak. पैरेट की कौन सी बीक है, कौन सी बीक थी? रेड बीक. सो यू हैव टू राइट रेड. द पैरेट सॉ अ बिग येलो डैश ऑन द ट्री. पैरेट ने क्या देखा था? मींस मिट्ठू. उसने क्या देखा था ट्री पे? बिग येलो मैंगो. तो आप यहाँ लिखोगे. देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट मिसिंग लेटर्स. दिस आर द मिसिंग, यू हैव टू फील दिस मिसिंग लेटर्स. ओके, एस आई टी सिट, एफ ए एन फैन, डी ओ टी डॉट, बी यू एन बन, PIG pig, LEG leg, DOT dot, BAG bag, SET set, SUN sun. Okay, that's all with this chapter. Thank you, students.